पंजाब के पटियाला जिला स्थित सनौर में सब्जी मंडी के बाहर निहंगों ने रविवार सुबह पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक एएसआई की कलाई कटकर अलग हो गई, जबकि थाना इंचार्ज बिक्कर सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एएसआई की हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। वहीं इस घटना के बाद निहंग एक गुरुद्वारे में छिप गए हैं। बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, एडीजी कमान संभाले हुए हैं। निहंगों को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। गुरुद्वारे के अंदर से गोलीबारी हो रही है। दरअसल एक गाड़ी में 5 निहंग सब्जी मंडी पहुंचे थे। मंडी स्टाफ ने इनकी गाड़ी को रोककर कर्फ्यू पास के बारे में पूछा था, ताकि मंडी में बेवजह भीड़ ना हो। पास ना होने पर इन लोगों ने सब्जी मंडी के स्टाफ के साथ झगड़ा करते हुए बैरिकेड तोड़कर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने निहंगों की गाड़ी को घेर लिया। जैसे पुलिस ने गाड़ी रोकी, तलवार लिए निहंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमले में एक एएसआई की कलाई कट गई। न्यूज डेस्क।